ओम श्री गणेशाय नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित धर्मराज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं श्री मंदिर पर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्री मंदिर पर। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का शुभ समय राहुकाल और आज के दिन को विशेष लाभकारी बनाने हेतु मंत्र और उपाय। साथियों आज संवत 2077 पौष शुक्ला एकादशी रविवार, नक्षत्र रोहिणी, चंद्रमा वृषभ राशि पर, सूर्य मकर राशि पर और दिनांक 24 जनवरी 2021 रहेगी। आज का शुभ समय प्रातः 8:14 से 12:32 और दिन में 1:58 से 3:24 का समय शुभ और सर्वश्रेष्ठ मान्य रहेगा। राहु काल शाम को 4:50 से 6:16 का समय अशुभ है और अभिजीत विजय मुहूर्त दिन में 12:09 से 12:55 का समय शुभ और लाभकारी रहेगा। आज विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन इन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभकारी रहेगा। जानते हैं मंत्र और उपाय। साथियों आज बहुत ही शुभ योग बन रहा है और पुण्य प्राप्ति के लिए और सभी पापों के नाश के लिए आज विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी का दिन है। अतः जिस किसी भी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है आज वह दंपति इस व्रत का पालन करके और वह संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। और अतः आज विशेष रूप से उन दंपतियों को प्रातः जल्दी उठना चाहिए करीब 5 से 6 बजे तक और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान संध्या से निवृत्त होकर के अपने माता पिता, गुरुजनों और इष्ट देवता का मन में और पूर्वजों को मन में प्रणाम करें और स्नान करने के बाद में सभी देवताओं को नमस्कार करने के बाद में उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। बाद में अपने घर पर या किसी भी मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलावें और किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संतान गोपाल स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए और पूर्ण दिवस अर्थात आज के दिन भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, जप करते रहें। शाम को पुनः एक दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि काल में भगवान के नाम जपते हुए शयन करना चाहिए और चारपाई आदि पर आज नहीं सोवें अर्थात जमीन पर सोने से विशेष लाभ रहेगा। और द्वादशी के दिन अर्थात दूसरे दिन कल प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को नमस्कार करें, माता पिता गुरुजनों को भी मन में प्रणाम करें और ब्राह्मण को बुला करके अथवा भोजन की सारी सामग्री इकट्ठी करके मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण को देने से इस व्रत का पालना होता है। और भोजन कराने के बाद दंपति खुद भगवान को प्रणाम करके बाद में भोजन करें। इस तरह से उन्हें 1 साल के अंतर्गत अर्थात अगली पुत्रदा एकादशी आने से पूर्व ही भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी और जिनके घर में सुख संपत्ति और संतान है उन परिवार वालों को आज के दिन व्रत करने से उनके जितने भी पाप होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज इस एकादशी को करने से उनके सारे पाप मैं हर लेता हूँ अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ में कल हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम। ओम।